नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्टर में करियर कैसे बनाया जा सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आप करियर को अपना नया मोड़ दे सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज हमने पहले भी अपलोड की हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट और अलग लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जानिए एक्टिंग करियर बनाने के सैकड़ों मौके आज के ज़माने में। टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री भारत की सबसे तेज ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। इसमें करियर बनाने के लिए कई ऑप्शन होते हैं जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अपने स्कूल कॉलेज में अभिनय के दौरान लगभग सभी कभी ना कभी एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। अब लेकिन एक्टिंग में वही लोग सफल होते हैं जो एक्टिंग के लिए बिना रह ही नहीं सकते, एक्टिंग के बिना जी ही नहीं सकते, जिनका एक्टिंग के बिना मन ही नहीं लग सकता। तो ऐसे लोग अपना एक्टिंग में करियर बना सकते हैं। आज के ज़माने में टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में भारत की सबसे तेज ग्रोथ वाली इंडस्ट्री मानी जाती है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। करियर बनाने के संबंध में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट बनाई गई है। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए योग्यता, वैसे अगर आप देखें तो एक्टिंग में करियर बनाने के लिए किसी स्कूल या कॉलेज वाली शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस क्षेत्र के अच्छे अच्छे कॉलेज अभी भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो दाखिले के लिए किसी भी स्ट्रीम से आप 12वीं पास या ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, तभी आप अपने एक्टिंग करियर के लिए कोर्स कर सकते हैं। अब करियर बनाने के लिए कोर्स कौन कौन से होते हैं या आप कहां से कर सकते हैं? इस क्षेत्र में पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग का 2 वर्ष का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एक्टिंग ये 3 साल का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिनेमा ये 3 साल की कोर्स और डिग्री होती है, एक्टिंग फास्ट ट्रैक और 6 महीने का कोर्स शामिल है। इन कोर्सेज के अलावा आप समय समय पर कई वर्कशॉप भी आयोजित कराए जाते हैं, आप उनमें भी हिस्सा लेकर आप एक्टिंग के गुण को निखार सकते हैं, चाहे जिनमें एक्टिंग से संबंधित बेसिक गुण सिखाए जाते हैं। एक्टिंग सीखने के लिए आप थिएटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थिएटर सबसे बेस्ट माध्यम होता है एक्टिंग सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सब कुछ लाइव सीखने को मिलेगा। छोटे बड़े हर शहर में थिएटर लोकप्रिय है। वहाँ के जो संयोजक होते हैं, वहाँ के उनके डायरेक्टर होते हैं, उनके जो निर्माता होते हैं, ट्रेनर होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उसकी बेसिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। एक्टिंग बनाने के लिए आपको थिएटर मेरे हिसाब से अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। सिनेमा के क्षेत्र में एक्टिंग के लिए कैसी होगी एंट्री, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। अगर आप किसी भी फिल्म स्टार परिवार से नहीं आते हैं तो दोस्तों इसकी राह आपके लिए थोड़ी कठिन ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हलवा होता है या ईजी होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कठिन का जो रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा, मगर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इस समय मॉडलिंग और एक्टिंग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर एक्टर मॉडल हैं या रह चुके हैं। एक्टिंग के बड़े मौक़ों की तलाश के बीच आप एंकरिंग भी, टीवी विज्ञापन, शो होस्टिंग, टीवी सीरियल में काम कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अब तो अपना अपना सब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी एंकरिंग वगैरह कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई चीज़ें बदल चुकी हैं। वहाँ फ़िलहाल कई ऐसे बड़े एक्टर हैं जिन्होंने अपने दम पर सफलता हासिल की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके गॉडफादर फिल्म इंडस्ट्री में है तो ही आप सफल हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे कलाकार एक्टर हैं जिनके कोई गॉडफादर नहीं था, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा पारिवारिक सदस्य नहीं था, लेकिन वो आज फिर भी अच्छे मुकाम पर है। अब बात करते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बारीकी से जो कोर्सेज होते हैं कहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में है, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न ये नोएडा में है, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, और अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स इंस्टीट्यूट ये आपको मुंबई में है, सुभाष घई विशलिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म सिटी मुंबई में है। आप यहाँ से अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट के कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पर एक्टर बनना है तो ये कोर्स करना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको बारीकी की जानकारी सिखाई जाती है। फिल्म इंडस्ट्री की सकारात्मक बातें मैं आपको बता दूं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले सकारात्मक की। तो शोहरत और दौलत की कोई कमी नहीं होगी अगर आप फिल्म में करियर बना लेते हैं। काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको, और रिटायरमेंट की कोई उम्र सीमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीमा नहीं मिलती उम्र की। आप बेफिक्र अपने कार्य को कभी भी कर सकते हैं। हर उम्र के लिए अलग अलग रोल निर्धारित होते हैं, और एक्टर ये नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह का रोल कर सकते हैं।
अब आपको इसका दूसरा पहलू बता देता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की नकारात्मक बातें। अगर आप एक्टिंग करियर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप इसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके नकारात्मक पहलू होंगे, जैसे काफ़ी व्यस्त होगी आपकी ज़िंदगी, निजी जीवन में मीडिया की ताक झांक होगी और प्रतिस्पर्धा और असफलता के कारण आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों के अनवांछित प्रपोजल आएंगे आपके पास। फिल्मी दुनिया से बाहर आना नामुमकिन सा ही हो जाएगा। आपके बच्चों और परिवार वालों को भी झेलनी पड़ेगी परेशानी, सामाजिक समस्या है, और नशे के सेवन को भी अपनाना होगा। सकारात्मक के अंतर्गत आप अगर नकारात्मक सोचे तो बिना वजह भी अपना समय पार्टियों में बर्बाद करना होगा और महीनों में घर और परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने से पहले आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए सुटेबल हैं तो आप बेफिक्र से अपने कदम आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक्टिंग और फिल्मी दुनिया की सच्चाई जिससे आपको भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए एक्टिंग की दुनिया में जाने से पहले इन सभी चीज़ों को जानें और रिसर्च करें, उसके बाद ही इस फील्ड में आगे बढ़ें। मेरा उद्देश्य आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलती दिखाई देती है या कोई त्रुटि नज़र आती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो लोग मेरी वीडियो इसी प्रकार देखना चाहते हैं या उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, जी हाँ, जो लोग मेरी वीडियो इस प्रकार से रोज़ाना देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको बिना सर्च करे देखने को मिल जाए और आप इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी से रूबरू हो सकें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।